जंगल में अचानक से जानवरों की भीड़ इकट्ठा हुई। सभी जानवर बहुत खुश नजर आ रहे थे क्योंकि आज राघव शेर के घर रश्मि शेरनी ने तीन अनोखी बेटियों को जन्म जो दिया था। रश्मि की तीनों बेटियां अपनी माँ की तरह सुंदर, सुशील और दूध जैसी सफेद थीं और उन्हें देखने के लिए जंगल के जानवरों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बधाई हो महाराज, बधाई हो। ऐसा चमत्कार तो मैंने जंगल में पहली बार देखा है। आपकी ये तीनों बेटियाँ बड़ी विचित्र और अनोखी हैं, और ये तीनों बहुत ही प्यारी हैं महाराज। एक दिन राघव अपनी तीनों बेटियों के साथ जंगल में घूम रहा था, तभी रास्ते में उसे एक भविष्यवाणी बताने वाला भालू बाबा मिलता है। प्रणाम भालू बाबा, आप बहुत दूर से आ रहे हैं और आप बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। अगर आपको एतराज न हो तो आप कुछ देर मेरे यहाँ रुक सकते हैं। भालू बाबा राघव की तीनों बेटियों को देखता है। सुनो राजन, क्या ये तीनों बेटियाँ तुम्हारी हैं? हाँ बाबा, ये तीनों बेटियाँ मेरी हैं। ईश्वर की कृपा से कुछ दिन पहले ही इनका शुभ जन्म मेरे घर में हुआ है। राजन, तुम्हारी इन तीनों बेटियों पर एक बुरा साया आने वाला है। कोई है जो तुम्हारी इन बेटियों की तलाश में है और जल्द वो तुम्हारी इन तीनों बेटियों को उठा कर ले जाएगा। ज्योतिष भालू की बातें सुनकर राघव परेशान हो गया, उसके माथे पर पसीना आने लगा। राघव रश्मि के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताता है। रश्मि, मुझे अपनी बेटियों की चिंता हो रही है, न जाने उस ज्योतिष भालू की बातों में क्या सच्चाई है। दरअसल एक बार कुछ सैतानी बाघ मानवों का सरदार रणधीर बाघ काली शक्तियां हासिल करने के लिए लंबे दिनों तक एक हवन करके शैतान को प्रसन्न कर लेता है। शैतान प्रसन्न होकर रणधीर को काली शक्तियों वाली एक मैस्टिक माला देता है। रणधीर उन काली शक्तियों को पाकर मजलूम जानवरों पर जुल्म करने लगा और जानवरों के जंगलों को हत्याने लगा। जब ये बात प्रजा के रक्षक वीर प्रताप को पता चली, तब उसने अपने सिपाहियों के साथ रणधीर पर हमला कर दिया और उसके सारे सिपाहियों को वहीं मार डाला। लेकिन उनका सरदार रणधीर बाघ किसी तरह वहां से भाग निकला और एक गुफा में आकर छिप गया। रणधीर का पीछा करते हुए वीर प्रताप उसके पास पहुंचा। तब वीर प्रताप ने अपनी शक्तियों से रणधीर को मिट्टी का पुतला बना दिया। वीर प्रताप रणधीर से जंग जीतकर अपने जंगल वापस लौटा। सुनो मेरे भाइयों, अब तुम में से किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने रणधीर और उसके सिपाहियों के उनके अंजामों तक पहुंचा दिया है। अब उसके या उसके किसी सिपाही की वजह से तुम्हें आगे कोई परेशानी नहीं होगी। उधर वीर प्रताप जब जानवरों को आश्वासन देकर अपने घर लौटा तो उसने देखा उसके घर एक नन्ना बच्चा खेल रहा है। लेकिन दुख की बात ये थी कि उसकी पत्नी बेटे को जन्म देकर उसकी मृत्यु हो गई थी। ये देखकर वीर प्रताप बहुत दुखी होता है। जहाँ वीर प्रताप अपने बेटे के आने से बहुत खुश था, वहीं अपनी पत्नी के लिए वो बिल्कुल टूट सा गया। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और वीर प्रताप का बेटा अब 10 वर्ष का हो गया। वहीं दूसरी ओर रणधीर का बेटा कांचा, जो एक शैतान के यहाँ पल रहा था, वो अब बड़ा हो गया था। जब रणधीर के सिपाहियों ने कांचा को उसके पिता की सारी कहानी बताई, तब कांचा एक जादूगर के पास पहुंचा और उसने उसे सारी बात बताई। कांचा, वो काली शक्तियों की मैस्टिक माला आज भी तुम्हारे पिता के गले में है, लेकिन उस मैस्टिक माला की काली शक्तियाँ तभी वापस आएंगी जब तुम उसे पवित्र खून चढ़ाओगे, और वो पवित्र खून तुम्हें यहाँ से दूर किसी जंगल में रहने वाली तीन सफेद शेरनियों के अंदर से मिलेगा। तुम्हें उन तीनों सफेद शेरनियों को तलाश करके उनका पवित्र खून उस मैस्टिक माला पर चढ़ाना है। ऐसा करने से उस मैस्टिक माला की काली शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और तुम्हारे पिता वापस जीवित हो जाएंगे। जादूगर की बातें सुनकर कांचा आधी रात वीर प्रताप के जंगल पहुंचा और उसने सोए हुए वीर प्रताप पर पीछे से हमला करके उन्हें जान से मार डाला। सुबह जब शिवा ने अपने पिता वीर प्रताप की लाश खून से लथपथ देखी, तो शिवा के पैरों से जमीन खिसक गई। आखिर कौन है, ऐसा कौन कर सकता है? किसने मेरे पिता को मारा? पिताजी, जिसने भी आपको मुझसे छीना है, मैं उसकी दुनिया तबाह कर दूंगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जहां एक तरफ शिवा बदले की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी ओर कांचा अपने पिता के दुश्मन वीर प्रताप को खत्म करके वो उन तीनों सफेद शेरनियों की तलाश में था। तो इस वजह से राघव अपनी बेटियों के लिए डरा हुआ था। राघव अपनी बेटियों को लेकर उसी ज्योतिष भालू बाबा के पास गया। भालू बाबा, आपने उस दिन जो मेरी बेटियों के लिए भविष्यवाणी की थी, मुझे उसके बारे में जानना है। आखिर कौन है और उसकी मेरी बेटी, आखिर वो कौन है और उसकी मेरी बेटियों के साथ क्या दुश्मनी है जिसके लिए वो मेरी बेटियों को उठा कर ले जाना चाहता है?
तब 34 बालू राघव को बताता है कि वो पवित्र खून उसकी तीनों बेटियों के अंदर है, जिसकी तलाश में कांचा जंगल जंगल भटक रहा है। ज्योतिष की बातें सुनकर राघव परेशान हो जाता है कि तभी कांचा अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचा। कांचा जब एक साथ तीन सफेद शेरनियों को देखता है वो खुशी से पागल हो जाता है। कांचा ने राघव पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया और वो उसकी तीनों बेटियों को अगवा कर लेता है। कुछ देर में शिवा ज्योतिष भालू से मिलने उसके पास आया और शिवा ने अपने पिता के बारे में ज्योतिष भालू को बताकर उनसे अपने पिता के हत्यारे के बारे में पूछा। शिवा, तुम्हारे पिता का हत्यारा कुछ देर पहले यही था, वो राघव को घायल करके उसकी तीनों बेटियों को अगवा करके ले गया। ज्योतिष भालू शिवा को सारी कहानी बताता है। शिवा, अब केवल तुम्हें न सिर्फ अपने पिता का बदला उससे लेना है बल्कि राघव की तीनों बेटियों को उस सालिम की कैद से आजाद कराना है। इससे पहले वो राघव की बेटियों की बलि दे, तुम्हें उस गुफा में जाकर रणधीर की पत्थर बनी मूर्ति को जलाकर नष्ट करना होगा। तब शिवा बिना देरी किए उस गुफा में पहुंचता है और वहां जाकर रणधीर की मूर्ति को जला देता है। जब तक कांचा राघव की बेटियों को लेकर वहां पहुंचता, तब तक रणधीर बाघ की मूर्ति जलकर नष्ट हो चुकी थी। ये देखकर कांचा अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है और ऐसा करते ही कांचा खुद उस आग में जलकर वहीं भस्म हो जाता है। शिवा उन तीनों सफेद शेरनियों को सुरक्षित उनके पिता के पास ले आता है। रश्मि और राघव शिवा का धन्यवाद करते हैं और उस दिन से शिवा रश्मि और राघव के साथ उन्हीं के जंगल में रहने लगता है। तेजा चीता अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तेजा जिस रास्ते से अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था उस रास्ते में घनी झाड़ियों के पीछे रीना बाघिन सिम्बा नाम के एक सफेद शेर के साथ अपनी गुफा पर बैठी थी। उन चीतों की सेना को देखकर रीना अचानक से उठ खड़ी होती है और सिम्बा को अपने साथ गुफा के अंदर ले जाती है और गुफा का दरवाजा बंद कर लेती है। गुफा में जाकर सिम्बा रीना बाघिन से कहता है, क्या हुआ माँ, आप मुझे गुफा के अंदर क्यों ले आईं? और वो सभी चीता सिपाही कौन थे? आहिस्ता धीरे बोलो बेटा, वो सभी उस जालिम के सिपाही थे। वो हर हफ्ते अपने सिपाहियों को लेकर इस रास्ते से गुजरता है कि किसी दिन उसके सपनों को पूरा करने वाला उसे कोई मिल जाए और वो जालिम उसका खून पीकर अपना सपना पूरा करे। माँ, आखिर ये चीता किसके सिपाही हैं और वो बदनसीब कौन है जिसका वो खून पीकर अपने सपने को पूरा करना चाहता है? तब रीना बाघिन सिम्बा को वो कहानी बताती है। वृंदावन जंगल में शंभू शेर के यहाँ रश्मि नाम की शेरनी ने एक नन्हे सफेद शेर को जन्म दिया था। शंभू शेर अपने बेटे की जन्म से बहुत खुश था। तभी वहाँ रश्मि शेरनी की सहेली रीना बाघिन आती है। रीना रश्मि के घर में सफेद शेर को देखकर हैरान हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रश्मि, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे इसी समय मेरे हवाले कर दो। रीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या बात है रीना, बताओ हमें। मैं अभी पास के जंगल से होकर आ रही हूँ। मैंने वहाँ तेजा चीता को अपने सिपाहियों से बातें करते हुए सुना। उसने वहाँ दूर जंगल से एक तांत्रिक को बुलाया था। सुनो तांत्रिक, मुझे आसपास के जंगलों में सबसे शक्तिशाली और इतनी ताकत इकट्ठा करनी है कि हर तरफ मेरी दहशत हो और कोई मेरे सामने उठने की हिम्मत तक न कर सके। मुझे ऐसी बेशुमार ताकत हासिल करने का कोई उपाय बताओ। तब उस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से वो सब देखकर तेजा को बताया। तेजा, जल्द यहाँ आसपास किसी जंगल में एक सफेद शेर का जन्म होने वाला है। वो सफेद शेर अद्भुत शक्तियों के साथ पैदा होगा। तुम्हें उस सफेद शेर से उसकी वो सारी शक्तियाँ हासिल करनी होगी और उसके लिए तुम्हें उस सफेद शेर का खून पीना होगा। तांत्रिक की बात सुनकर तेजा खुशी से पागल हो जाता है और वो अपने सिपाहियों से बोला, सुनो मेरे सिपाहियों, जो भी मेरे इस काम को पूरा करेगा तो मैं उसे सोने चांदी से माला माल कर दूंगा। तुम में से जो कोई भी उस सफेद शेर को लाकर मुझे देगा, मैं उसके घर को खजाने से भर दूंगा। रीना की बातें सुनकर रश्मि और शंभू भी परेशान हो जाते हैं और तभी उनकी गुफा के सामने से तेजा के सिपाही वहां से गुजरते हैं। नहीं नहीं, भगवान ने इतने सालों बाद मेरी झोली में एक औलाद मुझे दी है। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। रीना बहन, तुम मेरे बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। तुम इसे यहाँ से ले जाओ और जब ये बड़ा हो जाए तब तुम इसे इसकी शक्तियों के बारे में जरूर बताना।
तब रीना बागिन रश्मि के बेटे सिम्बा को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से भाग निकलती है और सबसे दूर एक शमशान जंगल में आकर रश्मि के बेटे के साथ वहां रहने लगती है। रीना उसे बचाने के लिए रीना सिम्बा को बचाने के लिए उसे सबसे दूर छुपाकर पूरे 10 सालों तक सिम्बा का पालन पोषण करती है। लेकिन माँ, मेरे असली माता पिता कहाँ हैं? आखिर वो इस समय कहाँ रहते हैं? बेटा, जब मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ गई थी तो तेजा को उसके सिपाहियों ने खबर दी कि जिस सफेद शेर ने जंगल में जन्म लिया है उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए कहीं दूर भेज दिया है। ये पता लगते ही तेजा ने अपने सिपाहियों के साथ तुम्हारे माता पिता पर हमला कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। तब से आज तक तुम्हारे माता पिता तेजा की कैद में है। वो हर रोज तुम्हारे माता पिता पर जुल्म करता है और उनसे तुम्हारा पता पूछता है, लेकिन तुम्हें उस जालिम से बचाने के लिए तुम्हारे माता पिता सालों से उसके जुल्मों को सहते आ रहे हैं। ये सुनकर सिम्बा का खून खोल उठता है। सिम्बा गुस्से में आकर जोर से दहाड़ लगाने लगता है। बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को याद करो और उनकी मदद से उन जालिमों को खत्म करके उनकी बेड़ियों में कैद अपने माता पिता को आजाद कराओ। तुम्हारे बदनसीब माता पिता सालों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। रीना बागिन की ये बातें सुनकर सिम्बा अपनी शक्तियों को याद करता है। उसके ऐसा करते ही सिम्बा के अंदर वो अद्भुत शक्तियां जागृत हो जाती है और तभी वहां उसकी एक विशाल सेना प्रकट हो जाती है। तब सिम्बा अपने विशाल सेना को लेकर तेजा के जंगल पहुंचता है और अपने सिपाहियों के साथ उसके सारे सिपाहियों पर एक के बाद एक हमला करता है और उन सभी का वहीं अंत कर देता है। आज सालों बाद सिम्बा अपने असली माता पिता से मिलता है। रश्मि और शंभू अपने बेटे सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं।